Okay, so assalamu alaikum. In this video, we'll take a look at the inguinal ligament. It's also called as Popar's ligament. Now, this ligament ki development kaise hoti hai, ki ligament banta kaise hai. Abhi humne anterior abdominal wall ke muscles nahi padhe, but we know that in the anterior abdominal wall, we have three important muscles: external oblique, internal oblique, and transversal abdominis. Aur ye isi level pe hota hai, like superficial to deep, inka yahi ek order ban raha hota hai. Now, the external oblique muscle basically at its lower part, it gets folded upon itself and it's thickened to form the inguinal ligament extending from the anterior superior iliac spine all the way to the pubic tubercle. So, this is the inguinal लिगामेंट जो कि बेसिकली एक एक्सटेंशन है या एक यू कैन से एक कंडेंसेशन है हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के लोअर पार्ट की. अच्छा, ये बात होगी. अगर इसके अटैचमेंट की बात की जाए कि ये मसल ये बेसिकली हमारे इंग्वाइनल लिगामेंट से किन किन चीज़ों की अटैचमेंट हो रही है, किन किन चीज़ों को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो इट्स लोअर पार्ट चाहिए. अगेन उसकी अटैचमेंट है एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से ऑल द वे टू द प्यूबिक टूबरकल. दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट. अच्छा, अगर बात की जाए इसकी अटैचमेंट की, तो ऑन इट्स लोअर पार्ट इट्स है गिविंग अटैचमेंट टू द फेशियल लैटा. वी नो दैट द डीप फेशिया ऑफ द थाई इज कॉल्ड एज फेशियल लैटा. तो ऑन इट्स लोअर पार्ट दिस इंग्वाइनल लिगामेंट इज गिविंग अटैचमेंट टू द फेशियल लैटा, एज यू कैन सी. और अपर पार्ट पे बेसिकली ये कुछ मसल्स को अटैचमेंट दे रहा होता है. ऑन इट्स लेटरल टू थर्ड इट्स गिविंग अटैचमेंट टू द इंटरनल ऑब्लिक मसल. ऑन इट्स लेटरल वन थर्ड इट्स गिविंग ओरिजिन या इंसर्जन टू द ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस मसल. जो ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस है वो डीपेस्ट मसल है हमारे इंटरनल एब्डोमिनल वॉल का. सो उसके लेटरल वन थर्ड पर अटैच हुआ है, लेटरल टू थर्ड पर अटैचमेंट हुई होती है इंटरनल ऑब्लिक की. एंड ऑन इट्स मिडल आस्पेक्ट वी हैव द ओरिजिन ऑफ द सुपरफिशियल लूप्स या फाइबर्स ऑफ द क्रीमेस्टरिक मसल. सो यू कैन सी द क्रीमेस्टरिक मसल इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इट एंड इट्स गोइंग मिडली. सो दी थ्री मसल्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर बॉर्डर या अपर पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट. कौन कौन से मसल है? इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्सल एब्डोमिनस एंड क्रीमेस्टरिक मसल. और लोअर पार्ट पे इसके फेशियल लैटा अटैच हुआ हुआ है. ये होगी इसके अटैचमेंट्स की बात. अच्छा, फिर बात ये जाती है कि इसके रिलेशंस का क्या सीन है. तो उसके रिलेशंस ऐसे होते हैं कुछ, इसके मीडियल पार्ट के अपर आस्पेक्ट पे जो इसका रीजन है वो बेसिकली फ्लोर बना रहा होता है इंग्वाइनल कनाल का. सो इंग्वाइनल कनाल का जब भी फ्लोर बनाता है, सो एट द सेम टाइम वी नो दैट द कंटेंट ऑफ द इंग्वाइनल कनाल इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड या राउंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन केस ऑफ फीमेल्स, एंड इन केस ऑफ मेल्स इट्स अ स्पर्मेटिक कॉर्ड. सो इन दिस वे द अपर पार्ट ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द इंग्वाइनल कनाल, एंड वाइल फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द इंग्वाइनल कनाल इज ऑल्सो लॉजिंग द स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल्स एंड द राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन फीमेल्स. अच्छा, ये बात भी होगी. फिर बात की जाती है दैट दिस लिगामेंट इज आल्सो गिविंग सम एक्सटेंशंस, कुछ इसकी एक्सटेंशंस भी होती हैं फर्दर. सो दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट, लेकिन 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 इस गिविंग टू फर्दर लिगामेंट्स द लैक्यूनर लिगामेंट एंड द पेक्टिनियल लिगामेंट. सो द लैक्यूनर लिगामेंट बेसिकली ट्रायंगुलर इन शेप हैविंग अ एपेक्स एंड अ बेस. जो इसका एंटीरियर एस्पेक्ट है वो तो बेसिकली मीडियल बॉर्डर ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ ही अटैच हो रहा था. जिसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है बेसिकली पेक्टिन प्यूबिस के साथ अटैच हुआ होता है. जो उसकी एपेक्स है वो द लेवल ऑफ प्यूबिक ट्यूबरकल होती है. जिसकी लेटरल एस्पेक्ट है वो थोड़ी या बेस है वो थोड़ी फ्री होती है, फ्री मार्जिन होता है. अच्छा, और ये भी वंस अगेन लैक्यूनर लिगामेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग द स्पर्मेटिक कॉर्ड जस्ट लाइक द इंग्वाइनल लिगामेंट. और जो इसका दूसरा लिगामेंट है, जिसकी दूसरी एक्सटेंशन, दैट इज द पेक्टिनियल लिगामेंट एज वी कैन सी, जो कि बेसिकली बैकवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द बेस ऑफ द लैक्यूनर लिगामेंट. सो फ्रॉम द बेस ऑफ द लैक्यूनर लिगामेंट वी हैव द पोस्टीरियर या बैकवर्ड एक्सटेंशन कॉल्ड एज अ पेक्टिनियल लिगामेंट. सो दिस पेक्टिनियल लिगामेंट एंड द लैक्यूनर लिगामेंट आर द टू एक्सटेंशन ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, राइट. सो अच्छा, पेक्टिनियल लिगामेंट हम लोग लिगामेंट ऑफ कूपर भी कहते हैं इन केस इफ इट इज एवर आस्क्ड. सो विद दिस नोट वी आर डन विद द इंग्वाइनल लिगामेंट. बस इतना ही था, इसमें कुछ भी नहीं है. सो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.